फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हूँ अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में होने वाले इस समारोह में आज भारतीय संस्कृति, समाज एवं संविधान में नारी विषय पर विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है। समारोह की मुख्य वक्ता राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संगठन की अध्यक्षा प्रोफेसर दमयंती गुप्ता जी, विशिष्ट वक्ता निदेशक चर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर प्रोफेसर भगवती सुदेश जी, समारोह की अध्यक्ष माननीय कुलपति जी प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी एवं माननीय धर्मपत्नी कुलपति महोदया का महिला अध्ययन केंद्र कोटिशाह अभिनंदन करता है। सभा में विराजित व्याकरण विभागाध्यक्ष व कुल सचिव डॉक्टर राजधर मिश्र जी, निदेशक मंत्र प्रतिष्ठान डॉक्टर शंभू कुमार झा जी, ज्योतिष विभागाचार्य व निदेशक शैक्षणिक परिसर डॉक्टर विनोद शर्मा जी, महिला अध्ययन केंद्र की संयोजिका साहित्याचार्य डॉक्टर स्नेहलता शर्मा जी और सभी सम्माननीय आचार्यों व छात्र छात्राओं का इस अवसर पर हर्षिल अभिनंदन है, स्वागत है। दीप प्रज्वलन की भारतीय परंपरा के लिए मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वे दीप आलोकित करें। मंगलाचरण हेतु Yeah.
ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की चरण वंदना के लिए मैं मानसी और प्रज्ञा से आग्रह करती हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुरूप कुलगीत से किया जाता है। आप सबसे सादर अनुरोध है कि कृपया कुलगीत के सम्मानार्थ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
अतिथि देवो भव के भाव को साकार करने के लिए मैं आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर दमयंती जी के स्वागत हेतु डॉक्टर स्नेहलता शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माला, शॉल, श्रीफल एवं विश्वविद्यालय प्रकाशन की पुस्तकें भेंट कर विदुषी अतिथि का सम्मान करें। साहित्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर मधुबाला शर्मा जी से आग्रह करती हूं कि वे आज की विशिष्ट वक्ता माननीय प्रोफेसर भगवती सुदेश जी का स्वागत व सम्मान करें। परम सम्माननीय कुलपति जी के स्वागत हेतु डॉक्टर राजधर मिश्र जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माल्यार्पण, शॉल व श्रीफल से प्रज्ञा पुरुष का अभिनंदन करें। हम अत्यधिक हर्षित हैं कि आज हमारे बीच में सहधर्मचारिणी कुलपति महोदया विराजित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय प्रांगण को अपने आगमन से कृतार्थ किया, उसके लिए हम सब उनके प्रति अत्यधिक अनुग्रहित हैं। उनके सम्मानार्थ श्रीमती श्वेता शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि वे मैम को शॉल, अच्छा जयानी मैम और श्वेता मैम दोनों आ जाएं, दोनों मिलके सम्मान करें मैम का। विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक महोदय सर दुर्गेश राजौरिया सर के सम्मान के लिए मैं डॉक्टर विनोद शर्मा जी सर से आग्रह करती हूं कि वे श्रीफल प्रदान करके सर का सम्मान करें। मैं वेदाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार झा सर से आग्रह करती हूँ कि वे कुल सचिव महोदय डॉक्टर राजधर मिश्र जी सर का सम्मान करें, माला एवं श्रीफल प्रदान करके। यह हर्ष का विषय है कि महिला अध्ययन केंद्र 4 वर्ष पूर्व 2019 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां,
अनेक व्याख्यान जागरूकता कार्यक्रमों के से निरंतर अनुप्राणित रहने वाले इस केंद्र ने अब पीजी डिप्लोमा का महती कार्य भी हाथ में लिया है। इन गतिविधियों की संयोजिका डॉक्टर स्नेहलता शर्मा जी से आग्रह है कि वे अतिथियों का स्वागत करें एवं प्रास्ताविक का वाचन करें। डॉक्टर स्नेहलता शर्मा। वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला अध्ययन केंद्र के द्वारा एक विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम जिसका विषय है भारतीय संस्कृति समाज एवं संविधान में नारी का आयोजन किया जा रहा है। और इस विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम के आयोजन में आप सभी की सहभागिता देखकर मेरा अत्यंत उत्साह वर्धित हो रहा है। सर्वप्रथम हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मंचासीन अतिथियों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, छात्रों का और अन्य जितने भी सहयोगी हैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। विश्वविद्यालय में संचालित महिला अध्ययन केंद्र विगत 4 वर्षों से महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं महिला समूह में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उनकी जागरूकता के संबंध में एवं संवैधानिक उनके कार्यकलापों के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय एवं आसपास की ग्रामीण महिलाएं और आसपास के क्षेत्र की अन्य दलित और शोषित महिलाएं, इनके संरक्षण, इनके सशक्तिकरण में और सशक्तिकरण और महिला अध्ययन के क्षेत्र में इनमें जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से और इनकी समाज और राष्ट्र में महती भूमिका हो, इस दृष्टि से महिला अध्ययन केंद्र कार्य कर रहा है। और विगत 4 वर्षों में महिला अध्ययन केंद्र ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का, सेमिनार्स का और जो कोरोना का समय रहा उस समय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का और जो महिलाएं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिला उत्थान के क्षेत्र में सामाजिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से और शैक्षिक जगत में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है, ऐसी उन महिलाओं का भी महिला अध्ययन केंद्र की ओर से सम्मान किया गया है। महिला अध्ययन केंद्र ने गत वर्ष PGDWS पीजी डिप्लोमा इन वुमन स्टडी, इसका एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया है और इस वर्ष से इसमें प्रवेश प्रारंभ किए जाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में जो दलित और शोषित महिलाएं हैं, उन दलित और शोषित महिलाओं को जागरूक करने की दृष्टि से संस्कृत भाषा और संस्कृत वांग्मय में जो निहित सूत्र हैं महिला सशक्तिकरण के, महिला संरक्षण के, उन सूत्रों को साथ में लेकर और उनकी जानकारी देते हुए संवैधानिक दृष्टि से उनका क्या उपयोग लिया जा सकता है, इस दृष्टि से कार्य करने की हमारी योजना अभी प्रारंभिक स्तर पर है। हम आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये प्रयास सफल होगा। मैं महिला अध्ययन केंद्र की ओर से सर्वप्रथम आज हमारे इस विशिष्ट उद्बोधन कार्यक्रम में पधारी हुई मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित प्रोफेसर दमयंती गुप्ता जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ।
अभिनंदन करती हूँ। आपने अत्यंत ही सहजता से हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया। अपना अत्यंत व्यस्ततम दिनचर्या के रहते हुए भी आपने हमें यहाँ आकर के उपकृत किया, इसके लिए भी मैं आभार और स्वागत दोनों ही आपको प्रदान करती हूँ, देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर दमयंती गुप्ता जी, राजस्थान विश्वविद्यालय वुमन एसोसिएशन की वर्तमान में अध्यक्षा हैं, साथ ही आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से सेवानिवृत्त हुई हैं। आपने अपने 39 सालों की सेवा में आपने विभिन्न छात्रों को एमफिल, पीजी, यूजी स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस में अवार्ड करा है, पीएचडी अवार्ड की है। आपका जो स्पेशलाइजेशन का फील्ड है वो पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी, डेवलपमेंट स्टडीज एंड गांधीयन स्टडीज है। आप विभिन्न पदों पर कार्यरत रहीं, सेंटर फॉर वुमन स्टडीज की आप डायरेक्टर रहीं, पीजी स्कूल ऑफ सोशल साइंस की डायरेक्टर रहीं, राजस्थान कॉलेज की आप प्रिंसिपल पद पर भी आप आसीन रहीं, राजस्थान कॉलेज के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आप हेड रहीं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आपने डीन के संकाय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और बोर्ड ऑफ स्टडीज पॉलिटिकल साइंस के आप कन्वीनर रही हैं और यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की भी आप मेंबर रही हैं। साथ ही आपके पॉलिटिकल थॉट एंड इंटरप्रिटेशन पॉइंटर पब्लिशर्स से प्रकाशित है आपके पब्लिकेशन स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन, आर्टिकल्स आपके जनरल्स में और एडिटेड बुक्स में हैं। आपने काफ़ी सेमिनार्स का भी आयोजन किया है। आप मेंबर हैं यूजीसी कमेटी फॉर मेजर एंड माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट की, आप मेंबर रही हैं आईसीएसएसआर कमेटी फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल एंड नेशनल सेमिनार्स, आप मेंबर रही हैं गवर्निंग बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज जयपुर एज सोशल साइंटिस्ट फॉर 6 ईयर्स। तो ऐसे विभूति आज हमारे बीच है मुख्य वक्ता के रूप में, और आपका जो वक्तव्य का विषय है वह है भारतीय संविधान एवं समाज में नारी की स्थिति। इस विषय पर माननीय का वक्तव्य हमें सुनने को मिलेगा, और मैं महिला अध्ययन केंद्र और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैडम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे इस व्याख्यान कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं प्रोफेसर भगवती सुदेश मैम। आप सामान्यतया सभी लोग मैम से परिचित होंगे क्योंकि आप संस्कृत विषय के ही धर्मशास्त्र आपका स्पेशलाइजेशन रहा है, और आपने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अपनी 36 सालों की सेवाएं प्रदान की हैं, और मैडम ने 13 साल प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है, और हाल ही आप वहां की निदेशक जैसे पद, प्रशासनिक जो पद है उसको भी आपने सफलतापूर्वक और पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन किया है, और हाल ही मैम अभी रिटायर्ड हुई हैं, लेकिन आप इसे मैडम रिटायर्ड हुई हैं ऐसा लग नहीं रहा, आज भी मैम के क्रियाकलाप जारी है, आज भी उद्बोधन देने के लिए हमें यहाँ पर इतनी दूर आई हैं। तो मैम, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैम का परिचय में मैं थोड़ा बताऊँ आपको कि मैम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर रही हैं, और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में आईक्यूएसी में भी आप मेंबर रही हैं और बोर्ड ऑफ स्टडीज की भी मेंबर रही हैं। सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी गुजरात में आप बोर्ड ऑफ स्टडीज की मेंबर रही हैं, और लाल बहादुर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी गुजरात में ही आप बोर्ड ऑफ स्टडीज की मेंबर रही हैं, और राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय से आपको सारस्वत सम्मान भी प्राप्त हुआ है। मैम का जो आज का उद्बोधन का विषय है वह है भारतीय संस्कृति की आधारशिला नारी।
तो इस विषय पर हमें मैम को सुनने का अवसर मिलेगा। और आज के हमारे इस उद्बोधन और विशिष्ट जो यह व्याख्यान कार्यक्रम है, इसमें अध्यक्ष के रूप में पधारे हुए, चूंकि औपचारिक ये सर का स्वागत होगा, इन्हीं के आशीर्वाद, सत्प्रेरणा और संरक्षण में ही यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे यशस्वी कुलपति को मैं, माननीय कुलपति का मैं हार्दिक अभिनंदन और महिला अध्ययन केंद्र की ओर से स्वागत करती हूँ। कुलपति महोदय के समक्ष ही विराजित आपकी धर्मपत्नी मैडम का भी मैं महिला अध्ययन केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैडम से निवेदन करती हूँ, जब भी किसी कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हो, आप अवश्य हमें पधारें और हमारा उत्साहवर्धन करें। और यहाँ पर पधारे हुए हमारे विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर राधर मिश्र जी, जो वर्तमान में कुल सचिव पद का भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, और बिना किसी व्यवधान के इस कार्यक्रम की फाइल का जो गमन और आगमन है, उसमें सर का अत्यंत सहयोग रहा और आपका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक श्री दुर्गेश राजौरिया जी, आपने भी, चूंकि बिना वित्त के तो किसी भी कार्य में संभव नहीं है कि कार्य सफल हो सके, तो धन की महिमा ही ऐसी है, तो आपने बिना किसी निर्विघ्न रूप से इस कार्यक्रम के लिए सहर्ष जो भी बजट है उसके लिए स्वीकृति प्रदान की। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद दोनों ही एक साथ करती हूँ। और हमारे डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी, आपके ही मार्गदर्शन में सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जो कुछ भी मुझे कहीं भी बाधा लगती है, तो मैं आपसे सलाह लेकर और आपसे विचार विमर्श के साथ इस कार्यक्रम में हमने इसका आयोजन का जो कार्य किया, तो मैं आपके स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पधारे हुए हमारे कार्य परिषद के मेंबर शिक्षक डॉक्टर कैलाश शर्मा जी, आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर शंभु जी, देवेंद्र जी, शिवाकांत जी, कुलदीप पालावत जी, दिवाकर जी, रामेश्वर द्विवेदी जी, शत्रुघ्न सिंह जी, शिवाकांत जी, शशि जी, डॉक्टर संदीप जी, डॉक्टर मधुबाला जी, और जितने भी सहयोगी, श्वेता, तृप्ति, आप सुनीता जी और श्वेता तिवारी जी, और यहाँ बैठे सभी छात्र वृंद, आप सभी का हृदय के अंतस्तल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जो भी विश्वविद्यालय के स्टाफ के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का जो ये विषय है, भारतीय संस्कृति, समाज एवं संविधान में नारी, तो भारतीय संस्कृति में नारी की क्या गरिमा रही और समाज में, पूर्व में और वर्तमान में नारी की क्या दशा और मनोदशा रही, और संविधान ने किस प्रकार से उसका सम्मान के लिए, संरक्षण और उसका सुरक्षा के लिए कानून बनाए, विधि नियम बनाए, कुछ इन्हीं विषयों को समाहित किए हुए ये विषय रखा गया है। और अब मैं, आप दोनों ही मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ता, आज के अध्यक्षीय उद्बोधन, इन सब के लिए मैं श्वेता को। देवी महात्म्य में नारी की अपार महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सभी देवताओं से उत्पन्न हुआ और तीनों लोकों में व्याप्त तेज जब पुंजीभूत हुआ तब वह नारी बना। अतुलम तत्र तत् तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थम तद् अभून नारी व्याप्त लोक त्रयम् त्रिशा। आज के
विशिष्ट वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर भगवती सुदेश जी को आमंत्रित करती हूं कि वे भारतीय संस्कृति की आधारशिला नारी विषय पर अपने विद्वत विचारों से हमें लाभान्वित करावें। श्वेतांबरम श्वेतविलेप पुष्पम मुक्ता विभूषा मुदितम द्विनेत्रम वामांक पीठ स्थित दिव्य शक्तिम मंदस्मितम सांद्र कृपा निधानम आनंदम आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्र मीढ़्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यमहम नमामि। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यान सत्र में मंच पर विराजमान मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित राजस्थान विश्वविद्यालय वुमन एसोसिएशन की अध्यक्षा माननीय प्रोफेसर दमयंती गुप्ता जी, कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी व कुल सचिव डॉक्टर राजधर मिश्र जी, कुशल संयोजिका डॉक्टर स्नेहलता शर्मा जी और यहाँ के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर कुलपति महोदय राम सेवक दुबे जी, आप सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का विषय बहुत ही रुचिकर है कि महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान तथा उपलब्धियों को पहचान दिलाने के लिए यह हर वर्ष मनाया जाता है। हेल्थ सेक्टर और ऐसे ही कई अन्य जिसकी कल्पना पहले सामाजिक स्थिति में हम कर नहीं सकते थे, नामुमकिन सा था, उन सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने विशेष योगदान दिया है। किंतु अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। अभी भी भारत ही नहीं बल्कि विकासशील देशों में महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। समाज में फैली कुरीतियों का सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी पर पड़ा है तो वह महिलाएं ही हैं। सभी देशों के महिलाओं की स्थिति विचार करने योग्य है। 21वीं शताब्दी में भी आजकल महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं। महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए कई प्रयास सदियों से किए जा रहे हैं और आज भी वे अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हम शुरू से ही पुरुष का वर्चस्व मानते आ रहे हैं और यानी यह समाज पुरुष प्रधान ही रहा है और अभी भी यही है। महिलाओं के वजूद को दूर से ही दरकिनार पहले से ही किया जा रहा है। शायद मैं नकारात्मक वाक्य पहले बोल रही हूँ, इसमें आप लोग कुछ ऐसा मत मानिएगा कि मैं बहुत अधिक निंदा कर रही हूँ, किंतु जो सच्चाई है उसे प्रकट करने में कोई दोष नहीं है। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, सिर्फ घर के साफ सफाई और चकला बर्तन तक ही उनका सीमांकन किया गया है। शायद हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं होती यदि महिलाओं की स्थिति प्रारंभ से ही सही होती। इतने सालों में न जाने हम कितनी बार महिला दिवस मना चुके हैं, पर सच्चाई तो यह है कि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों में कोई परिवर्तन विशेष रूप से आया नहीं है।
भारत में फैली हुई कई ऐसी प्रथाएं हैं जो महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का हनन करती हैं, और हर धर्म में यही देखा गया है कि महिलाओं को वो सम्मान नहीं प्राप्त हुआ जिसकी वो हकदार रही हैं। वह सभी प्रथाएं जो महिलाओं के अधिकारों को कुचल रही हैं, उनमें समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन किए तो गए हैं, पर जमीनी तौर पर उन पर कार्य नहीं किया गया है। भारत ही नहीं, अन्य विकसित देशों की भी यही हालत है, किंतु कहा जा सकता है कि समय अनुसार वहाँ पहले की तुलना में महिलाओं का अच्छा खासा महत्व है, उनके सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से उत्थान हुआ है। समय समय पर महिलाओं ने देश की उन्नति में अपना विशेष योगदान दिया है। भारत में कुछ हद तक महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है, और यह काफ़ी नहीं है। कई महिलाएं अभी भी अशिक्षित, घरेलू हिंसा से पीड़ित और कुपोषित हैं, और उनकी स्थिति में भी अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रत्येक युग में सभ्यताओं के आवर्तन विवर्तन में प्रत्येक संस्कृति ने यह उद्घोषित किया है कि नारी सृष्टि की नियामिका शक्ति है, अखिल ब्रह्मांड की आधारशिला है। अखिल ब्रह्मांड को नियोजित, नियमित व संचालित करने वाले, अपने दिव्य स्पंदनों से स्पंदित करने वाले उस विधाता की मूल प्रकृति है, मूल प्रतिकृति है नारी। या यूं कह लीजिए कि समस्त चराचर सृष्टि ही नारीमय है। इसके साहित्य से इतर कुछ भी अकल्पनीय है। प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों स्त्री को इतना महती और पूजनीय बताया गया है, आखिर क्यों उसे इतना विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। जब हम वैदिक साहित्य और संगीताओं का अध्ययन करते हैं, तत्कालीन सामाजिक व साहित्यिक परिस्थिति को देखते हैं, तो स्त्री की यह विशेष परिस्थिति सहज ही समझ में आ जाती है। स्कंद पुराण का एक वाक्य मैं कहना चाहूंगी, नरम नारी प्रोद्धरति मज्जन्तम् भववारिधौ एतत् संदर्शनार्थाय तथा चक्रे भवोद्भवा। यानी स्त्री भव सागर में डूबते हुए पुरुष का उद्धार कर देती है। श्रुतियों व स्मृतियों में भी नारी के गौरव का प्रतिपादन मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख किया गया है कि मातृदेवो भव, अर्थात माता ही देवता है, उसे देवतुल्य समझो और उनका तत्समकक्ष सम्मान करो। इस प्रकार माता का गौरव तो पिता से भी बढ़कर माना गया है, इसका समर्थन तो स्मृतियां भी करती हैं। मनुस्मृति कहती है, सहस्रम तु पितृन माता गौरवेण अतिरिच्यते, अर्थात माता का गौरव तो हमारे पितृवर्ग से भी, हजारों पितृवर्ग से भी बढ़कर है। नारी घर की अधिष्ठात्री है, और अधिष्ठात्री ही नहीं, देवी है। इस रूप में यदि देखें तो गृहिणी, गृह स्वामिनी, गृह लक्ष्मी इत्यादि अनेकों शब्दों से उसकी संस्तुति की जाती है। स्मृतियों में स्पष्ट रूप से कहा है नारी की संस्तुति के बारे में कि न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, आप सभी जानते हैं। अर्थात भवन ही घर या मिट्टी से बना हुआ घर ही घर नहीं है, वस्तुतः गृहिणी ही गृह कही जाती है। स्पष्ट है कि वही ग्रह की आधारशिला है। ऋग्वेद में भी इसी भावना का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, किंतु यह गृहिणी पद उतनी आसानी से प्राप्त होने वाला पद नहीं है, ये आप सभी जानती हैं। कितनी आसानी से कह दिया जाता है कि घर ही तो संभाल रही हो, कहते हैं ना, क्या घर ही तो संभालना है, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना सुलभ नहीं है जितना हम मानते हैं या समझते हैं कि विवाह हुआ और नारी गृहिणी पद को प्राप्त हो गई। इस पद की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की, साधना की और त्याग की आवश्यकता है। सुशिक्षित नारी ही
मैं फिर से कहना चाहूंगी, सुशिक्षित नारी ही सदगृहिणी, सती, साध्वी और सत्कर्म पारायणा हो सकती है, क्योंकि शिक्षा ही तो वह पावन साधना है जो व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाती है। अतः गृहिणी पद को अर्जित करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुचित शिक्षा के द्वारा नारी एक परिवार में सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करती है तथा सर्वविध कल्याण के लिए चेष्टा करती है। अतः जब तक नारी शिक्षा नहीं होती है, तब तक समाज की, देश की, ना राष्ट्र की उन्नति संभव है। बहुत ही हम बार बार सुनते हैं, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां सुख शांति विराजमान होती है, अन्यथा तो पारिवारिक सामंजस्य की कल्पना भी असंभव है। प्राचीन काल से ही नारियों का स्थान समाज में अग्रगण्य रहा है। नारियों में मैं नाम बोलना चाहूंगी, गार्गी, मैत्रेयी, सीता, अरुंधति, लक्ष्मीबाई इत्यादि महनीय नारियों ने समाज की उन्नति की दृष्टि से अपने प्राणों का उत्सर्ग तक किया है। परिवार और समाज के निर्माण में पुरुषों की तरह ही नारियों का भी महत्वपूर्ण स्थान दृष्टिगोचर होता है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसी दृष्टि से मनुस्मृति में भी कहा गया है, द्विधा कृत्वा आत्मनो देहम अर्धेन पुरो अभवत् अर्धेन नारीं तस्याम च विरामम असृजत प्रभु। प्राचीन भारतीय नारी, यानी इसी श्लोक का अर्थ यही है कि आधी देह से भगवान नर बने और आधी से नारी, तभी प्रभु का अवतार हुआ, क्योंकि अकेले सृजन करने में वो समर्थ नहीं थे, ऐसा हमारी मनुस्मृति कहती है। तो तभी से यह सृष्टि जो है नर और नारी दोनों को साथ लेकर चल रही है। इस प्रकार से प्राचीन भारतीय नारी शिक्षा कितनी समुन्नत थी, समाज में उनका कैसा स्थान था, यह सब हमें वैदिक शिक्षा से ज्ञात होता है। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वैदिक शिक्षा पितृ प्रधान रहा है, वैदिक समाज जो था पितृ प्रधान रहा है। वैदिक शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार के पश्चात ही होता था। गुरुकुल में ही वैदिक शिक्षा की परंपरा थी। स्मृति ग्रंथ के पुरा काले तु नारीणाम मौंजी बंधनम इष्यते। तो कुछ लोग कहते हैं कि नारियों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, ऐसा नहीं है, नारियों का भी उपनयन संस्कार होता था। तो इस वचन से यह मालूम होता है कि कतिपय स्त्रियां जन्म से ही ब्रह्मचारिणी रहती हुई वैदिक शिक्षा एवं अध्यात्म शिक्षा, इसकी उपासना करती हुई जीवन यापन करती थी। उपनिषदकालीन युग में नारी शिक्षा सुव्यवस्थित रूप में दृष्टिगत होती है, जैसे सद्योवधु तथा ब्रह्मवादिनी आदि नामों से उन्हें जाना जाता है। इनका हमें उल्लेख भी प्राप्त होता है। सद्योवधु जो थी वो अष्टम वर्ष से 17 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्याधन करने वाली नारियों को सद्योवधु कहा जाता था। उसके बाद वो विवाह संस्कार करके गृहस्थ जीवन में अपना लेती थी, किंतु जो ब्रह्मचारिणी होती थी वो आजीवन अपने गुरु के कुल में रहकर, गुरुकुल में रहकर शिक्षा यापन करती थी। विद्याध्ययन के पश्चात वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके इस प्रकार से अपना जीवन यापन करती थी, सद्योवधु। ये जो ब्रह्मवादिनी होती थी, ये ब्रह्म विषयक ज्ञान, नामी ब्रह्म है ना, ब्रह्मवादिनी यानी ब्रह्म को जानने वाली, तो ब्रह्मवादिनी ब्रह्म चिंतन में जो स्त्रियां अपने तपेपूत जीवन का यापन करती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना जाता था। बृहद आरण्यक उपनिषद में उल्लेख है कि याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी के साथ शास्त्रार्थ में उन ऋषि पत्नी के शास्त्रार्थ निपुणता का ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिक काल से लेकर भारतीय स्त्रियां गार्हस्थ्य धर्म का पालन करती हुई आदर्श गृहिणी के रूप में समाज में प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त करती आ रही हैं। गार्हस्थ्य धर्म के अनुपालन में गृहिणी के स्थान का
बहुत ही अधिक महत्व है। मनु ने गृहस्थ धर्म के महत्व को स्पष्टता से अभिव्यक्त करते हुए कहा है, गृहस्था एव यजते, गृहस्था एव तपते तपा, चतुर्णाम आश्रमाणां तु गृहस्था एव प्रशस्यते, यथा नदी नदा सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिं, तथा गृहस्थम आश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव। अर्थात जिस प्रकार जंतु, सभी जंतु वायु के आश्रित होकर ही जीवन जी सकते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ भी गृहस्थ के आश्रित होकर अन्य आश्रम भी अपना जीवन जीते हैं। हम सभी जानते हैं कि अन्य तीनों ही आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आजकल वानप्रस्थ तो है ही नहीं, वनप्रस्थ है क्या, वन तो सब कट गए, तब क्या करना, वन तो है ही नहीं, क्या करना है फिर, घर में रहकर ही वनप्रस्थ को अपनाना है, घर में रहकर ही अपनी सास बहू के साथ कुछ भी हो आपको न्यूट्रल रहना है, यही समझ लेना कि हम वनप्रस्थ में रह रहे हैं, तभी जीवन जिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, आजकल के सास बहू के झगड़ों को खत्म करने का एक यही बहुत बड़ा प्रयास है। अंतिम आश्रम है हमारा सन्यास, तो सन्यास की तैयारी ही वानप्रस्थ में की जाती है, तभी हम सन्यास ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। तो गृहस्थ आश्रम पर ही ये तीनों आश्रम आधारित हैं, और इसीलिए गृहस्थ आश्रम को एक और नाम दिया गया, ज्येष्ठ आश्रम। अतः समस्त आश्रमवासियों के लिए ही गृहस्थ ही प्राण तुल्य माना गया है, और यही भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। इसी आश्रम की आधारशिला ग्रहणी पद से विभूषिता नारी ही है। गृहस्थ आश्रम चलाएगा कौन, संत को खाना कौन बना के देगा, ऋषियों को भोजन कौन बना के देगा, नारी ही तो देगी, तो नारी आधारशिला मानी है, अतएव नारी का सम्मान ही गृहस्थ की आधारशिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। पति पत्नी या भारतीय संस्कृति में केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप में ही स्तुति नहीं की गई, अपितु सृष्टि के मूल तत्व के रूप में दोनों की ही समान स्थिति मानी गई है। दोनों का सामंजस्य, दोनों की परस्पर संतुष्टि कुल के लिए, परिवार के लिए और क्रमशः समाज के लिए भी बहुत उपयोगी है, राष्ट्र के लिए तो कल्याणप्रद होती ही है, और जिसका आधार पारस्परिक सम्मान है। मनु ने बहुत अच्छा वाक्य कहा है, संतुष्टो भार्यया भर्त्रा, भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। अर्थात जिस कुल में पति पत्नी से संतुष्ट होता है और पत्नी पति से संतुष्ट रहती है, वो कुल नित्य ही कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए ये उदाहरण इसलिए जरूरी है क्योंकि संस्कृति में हो रहे बदलावों में, जो आज बदलाव हो रहे हैं, वर्तमान मानव का मन संक्रमित हुआ है, अतः आवश्यकता है हमें फिर से वापस अपनी जड़ों की ओर लौटने की। यदि हम वापस अपने शास्त्रों की ओर नहीं जाते तो हम कुछ नहीं है आज के युग में। तो इसलिए आप लोग एक वाक्य कहते हो ना, संस्कृतम वद आधुनिको भव। तो कोई लोग नए जो होंगे वो सोचते होंगे संस्कृत पढ़ने वाले आधुनिक कैसे हो सकते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले आधुनिक कैसे हो सकते हैं, क्या संस्कृत पढ़ने वालों के लिए आवश्यक है कि वो अंग्रेजी ही बोले या अंग्रेजों की तरह ही चलें या अंग्रेजों की तरह ही खाएं? नहीं, हमारी संस्कृति हमारी अपनी, जिसके बल पर हम हमेशा जगत गुरु कहलाए हैं, वो संस्कृति हमें बचा के रखनी है, वो नारी शक्ति हमें बचा के रखनी है। वास्तव में वह ही हमारी जितनी सृष्टि का निर्माण जब से हुआ है तब से वही सम्मान की अधिकारिणी है, उसको बचा लिया तो सब चीज़ संसार में बच गई। इसीलिए सनातन काल से नारी का इस सृष्टि में अतुलनीय एवं प्रभुत योगदान है। उपनिषद सृष्टि स्त्री की अनुपस्थिति में अपूर्ण मानते हैं,
कहा है अयम आकाशा स्त्रिया पूर्यते, ये बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। इसी संदर्भ में ऋग्वेद ने कहा है कि स्त्री ही ब्रह्म है। भारतीय संस्कृति में मंत्र दृष्टा ऋषियों ने नारी को गौरवशाली व्यक्तित्व प्रदान किया है और ये भी कहा अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रति सत्तमा दाराधीनास्तथा स्वर्गः पितृणाम आत्मनश्च ह। अर्थात बहुत सुंदर वाक्य है, संतानों का निर्माण, धर्मकृत्य, सेवा और उत्तम रति तथा अपना और पिता आदि का विशेष सुख, ये सब कार्य स्त्री पर ही निर्भर है। स्पष्ट है कि स्त्री सदैव महती भूमिकाओं में ही रही है। फिर जो स्वयं शक्ति है, आखिर क्यों इस दौर में उसके शक्तिकरण की आवश्यकता पड़ रही है, सोचने का विषय तो है। जो स्वयं शक्ति है उसका हम सशक्तिकरण करने जा रहे हैं, तो क्यों महसूस की जा रही है ये बातें? स्त्री को अपने इतिहास पर नजर डालकर अपने स्वरूप को पहचानना होगा और समाज को उसके संकुचित दृष्टिकोण को छोड़कर पथ प्रदर्शक की भूमिका में लौटना होगा। स्त्री को अपने आत्मस्वरूप को जानना होगा। क्यों जानना होगा? कि वह अबला नहीं है, वो अबला नहीं है और वह पुरुष से अधिक नैतिक है। वह मित्र है, परिवार की धुरी है, अधिक मानवीय है। इसी कारण राधा कृष्ण कहते हैं कि नारी हर हाल में पुरुष की शिक्षिका है। स्त्री के ही कारण हमारी संस्कृति, सभ्यता, व्यक्तित्व, भूत, वर्तमान और भविष्य सदा सर्वदा सुरक्षित रहेंगे, रहे हैं और रहेंगे। मैं ये नहीं कहना चाहती कि पुरुषों का योगदान नहीं है, लेकिन स्त्रियों को कुछ स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं। स्त्रियों की स्वतंत्रता को पूरा कौन करेगा? पुरुष ही तो करेगा। तो दोनों को अर्धनारीश्वर इसीलिए कहा, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसके अतिरिक्त आज के समाज में हम सशक्तिकरण की जो बात करते हैं उसमें मैं कहना चाहूंगी, एक सशक्त महिला को यह अधिकार होता है कि वह अपने वादों को पूरा करे। आप सबके लिए एक शिक्षा है, अपने वादों को पूरा करे और अपने अधिकारों का प्रयोग वो कर सके, ऐसा उसको होना। पसंद की स्वतंत्रता का अर्थ भी यही है कि एक महिला अपने जीवन के हर पहलू एवं अपने शरीर के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। अगर मतलब इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सशक्त कहलाने के लिए जो चाहे करे। यदि कोई महिला घर में रहना चाहती है या कोई काम करना चाहती है या अविवाहित रहना चाहती है तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भारतवर्ष की कुछ महिलाओं ने अपने सामने की रुकावटों को तोड़ डाला, अपने लक्ष्य विकसित किए एवं उन्हें प्राप्त भी किया। सशक्त महिलाओं को प्रायः सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। महिला सशक्तिकरण का सपना हमारा तभी पूरा होगा जब बड़े पैमाने पर समाज के हर वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा। आज के इस दौर में जब महिलाएं घर से लेकर कार्यालय तक सब कुछ संभाल रही हैं, फिर उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? यदि हर व्यक्ति यह संकल्प ले ले तो आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं जब सही मायने में महिलाओं को उनका अधिकार व सम्मान प्राप्त होगा और वे देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान बढ़ चढ़ कर दे सकेंगी। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ओम शांति शांति शांति।
महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैम के इस व्याख्यान से हम सभी सोचने पर सच में मजबूर हैं, जबकि हमारे शास्त्र नारी की महिमा का वर्णन करते आए हैं। नारी का प्रथम रूप कन्या है। आज कन्या भ्रूण हत्या हमारे लिए अभिशाप बन गई है, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अकेली कन्या 10 पुत्रों के समान है। 10 पुत्रों के पालन पोषण से जो फल प्राप्त होता है वह अकेली कन्या के पोषण से प्राप्त हो जाता है। 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान प्रवर्धयन यत फलम लभते मर्त्यस तल लभ्यम कन्याई कया। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर दमयंती गुप्ता जी मैम को, जो भारतीय संविधान एवं समाज में नारी की स्थिति विषय पर हमें अपने व्याख्यान से लाभान्वित करवाएंगी। इस व्याख्यान से हम सभी आप्यायित होंगे। आमंत्रित हैं मुख्य वक्ता प्रोफेसर दमयंती गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय कुलपति साहब, सम्माननीय मंच और आदरणीय सदन दोनों को सादर नमन। मैं पहली बार, मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में स्नेहलता जी के स्नेह के वशीभूत होकर आई। यकीन मानिए, जैसे ही रास्ता बहुत लंबा था, जाना पहचाना भी नहीं था, लेकिन विश्वविद्यालय के परिसर में कदम रखते ही अलग सा स्पंदन हुआ। ऐसा लगा जैसा किसी तपोभूमि में आ गए हैं। अलग ही हवा थी, अलग ही खुशबू थी यहाँ की मिट्टी की। और जब अभी सरस्वती के आगे दीपक जलाते समय जब आपने संवेद स्वर में मंत्रोच्चार किया, तो मैं बहुत गदगद हो गई। मुझे याद है एक बार हमारे मानविकी सभागार, जो कि करीब 1000 लोगों को बिठा सकता है, उसमें संस्कृत विभाग ने एक आयोजन किया था व्याख्यान का, और वहाँ पे एक अकेले वेद पाठी जो मतलब वो जो बहुत ही परिष्कृत जो विद्वान थे, उन्होंने इतने उच्च स्वर में वेदों के उन कुछ ऋचाओं का पाठ किया कि मुझे आज उसकी याद ताज़ा हो गई। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया। मैं अभी प्रोफेसर भगवती जी का व्याख्यान सुन रही थी, और मुझे उसका जो सार था वो यही लगा कि गृहस्थाश्रम सारे सामाजिक जीवन का प्राण है, और उसकी प्राण है नारी, और इसलिए वो सहज रूप में बहुत ही सम्माननीय है, वंदनीय है, बहुत धुरी है। मैं जिसके बारे में बात करूंगी वो थोड़ा अलग है। अभी एक बात ये भी आई थी कि संस्कृत पढ़ो और आधुनिक बनो। बहुत पहले जब कंप्यूटर्स आना ही शुरू हुए थे, तब बहुत बड़े बड़े अक्षरों में हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि अंग्रेजी का है, उसमें एक आर्टिकल आया था कि आचार्य पाणिनि संभवतः पहले वो व्यक्ति थे जिनके पास सॉफ्टवेयर था, लेकिन उस समय कोई हार्डवेयर नहीं था। और वो इसलिए कि संस्कृत भाषा इतनी रूल गवर्न्ड है, इतनी लॉजिकल है, कहीं पे भी कुछ भी अनायास या मन से नहीं होता है। मैं तो बहुत कम जानती हूँ, लेकिन जो आवश्यक रूप से जितनी संस्कृत पढ़ी है उसमें ये लगा कि अंग्रेजी तो कहीं ठहरती नहीं है, हिंदी बहुत अच्छी है उस तुलना में, पर संस्कृत बहुत रूल गवर्न्ड है, उसके अपने नियम हैं जिसके आधार पर वो चलती है। तो इन अर्थों में शायद कंप्यूटर के लिए ये सबसे उपयुक्त भाषा हो। इसमें जाहिर है बहुत काम भी हो रहा होगा, लेकिन
इतने सारे संस्कृत के आचार्यों और छात्रों और छात्राओं के बीच आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि दो दो संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय है, एक राजस्थान का, एक केंद्रीय, और हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत के साथ हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, तो निश्चय ही एक पुनर्जागरण अवश्यंभावी है। मैं जिस विषय पर बात करूँगी, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान की छात्रा रही हूँ जीवन पर्यंत, तो भारतीय संविधान और समाज में नारी, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। देखिए, संविधान और कानून, हम कहते हैं कि विधि का शासन है बहुत अच्छी बात है, संविधान की व्यवस्था है बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको बता दूं कि संविधान होना और कानून होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आपने देखा होगा कि पूरा स्वतंत्रता संग्राम हमने अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ ही तो लड़ा। कानून अपने आप में न्यायपूर्ण हो जरूरी नहीं है। जहां तक संविधान की बात है, नाजी जर्मनी का भी संविधान था, फासीवादी इटली का भी संविधान था, आज रशिया का भी संविधान है जो यूक्रेन को बिल्कुल तबाह करने पर तुला हुआ है, नॉर्थ कोरिया का भी संविधान है। तो संविधान होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। विधि के पीछे क्या विधि शास्त्र है और संविधान के पीछे क्या संवैधानिक मूल्य है, वो उसे अनुपम बनाते हैं। और हमारा संविधान साथियों बेहद अनुपम है, और उसके लिए मैं आपके सामने उसकी प्रीएम्बल, जो उसकी प्रस्तावना है, वो अक्षरशः पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि उसके बारे में मेरे को एक बात आपसे शेयर करनी है। देखिए, मैं उसको आई टेक द लिबर्टी कि मैं उसको अंग्रेजी में भी बोलूं और फिर मैं उसको हिंदी में भी बोलूंगी। अंग्रेजी में बोलने का मेरा एक खास मकसद है। जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई एडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में अगर हम कहें तो इसकी बात होगी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके एक एक शब्द पे हजारों किताबें लिखी हुई है। कैसा राज्य होगा, उसके नागरिकों के लिए कौन कौन से न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना दे उद्देश्य है, स्वतंत्रता की बात इसमें कही गई है कि विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता हो, प्रतिष्ठा व्यक्ति की गरिमा डिग्निटी और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो, उन सबको प्राप्त कराने के लिए भारत की एकता अखंडता और आपस में भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए इस संविधान का निर्माण किया गया था। ये संविधान साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि 1949 में ये एक तरह से स्वीकार किया गया, 50 में इसे लागू किया गया, 51 में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो एक अंग्रेजी विचारक है अर्नेस्ट बार्कर, बहुत प्रसिद्ध विचारक है और सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर उनका बहुत लेखन है,
उनकी एक किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल थ्योरी, वो 1951 में आई थी। तो मैं उसको जब ऐसे ही पढ़ रही थी उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मैं ये देखकर हैरान थी कि अपने आमुख पृष्ठ पे बारकर साहब ने भारत की संविधान की प्रस्तावना को अक्षरशः वैसे के वैसे लिखा था। एक बहुत प्रतिष्ठित किताब, वो अंग्रेज जो अभी अभी हम पे शासन कर रहे थे, वही का एक बहुत अच्छा विचारक और लेखक अपनी किताब के आमुख पृष्ठ पे भारत की संविधान की प्रस्तावना को जो का त्यों लिख रहा है और उसका कारण बता रहा है। और उसका कारण वो क्या कहते हैं कि वो ये ऑब्जर्विंग दैट द प्रीएम्बल स्टेट्स, वो ये कहते हैं कि ये जो प्रस्तावना है ये बहुत ही सूक्ष्म और सार रूप में मेरी पुस्तक के सारे सिद्धांतों का निचोड़ है। तो ये हमारा संविधान है जिसको बनते ही उन लोगों ने जिन्होंने हम पे 200 साल शासन किया और छोड़ते वक्त भी उनको ये लगा कि पता नहीं हम अपना शासन कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठ वहाँ का जो विचारक और लेखक था उसने कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी का निचोड़ मुझे भारत के संविधान की प्रस्तावना में नजर आता है और इसलिए मैंने हूबहू उसको अपने बुक के आमुख पृष्ठ पर छापा है। तो आप देखिए कि ये जो संविधान हमने बनाया ये इसमें देखिए आपने देखा होगा कि हम भारत के लोग, पुरुष नहीं, हम भारत के पुरुष ऐसा नहीं कहा, हम भारत के लोग मतलब स्त्री पुरुष सब उसमें समाहित हैं। और ये जो सारे जो प्रस्तावना में जो सारे बातें कही, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समाजवाद की, लोकतंत्र की, वो सारी की सारी बातें संविधान के अंगीकृत होने के साथ ही भारत की सारी महिलाओं को एक साथ मिल गई। आपको ताज्जुब होगा कि वो अमेरिका जो 1776 में आजाद हुआ था उसको अपनी महिलाओं को वोट का अधिकार देने में 2 शताब्दियां लग गई। उसने अपनी महिलाओं को दिया 1920 में। और ब्रिटेन जो एक छोटा सा द्वीप जिसने 3 महाद्वीपों को गुलाम बना के रखा था, उसकी महिलाओं को तो 1928 में ये अधिकार मिला था। हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में भी स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और संविधान के निर्माताओं ने कभी इस बात का उनके दिमाग में विचार भी नहीं आया कि खाली पुरुषों को अधिकार देने हैं। उन्होंने बिल्कुल समान रूप से, संविधान हमारा बिल्कुल समान रूप से सारे अधिकार जो है स्त्री पुरुष को साथ देता है। फंडामेंटल राइट्स या मूल जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में आप लोगों को नागरिक होने के नाते ज़रूर से पता होगा। तो इसमें इक्वालिटी की बात आती है, आर्टिकल 14 और 15 जो है वो इक्वालिटी की बात करते हैं। 16, 17, 18 में अवसरों की समानता की बात आती है। 18, 19, 20 में स्वतंत्रता की बात आती है। तो ऐसे सारे अधिकार हैं। इक्वालिटी की बात करते हुए देखिए संविधान के 14वें और 15वें प्रावधान में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि कानून के समक्ष सब समान है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कानून के समक्ष सब समान है और राज्य जो है सबको समान सुरक्षा है कानून की, और राज्य केवल लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई ज़्यादा यशस्वी है, ज़्यादा मेधावी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो तो अंतर अपने आप हो जाएगा, लेकिन खाली लिंग के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, इन भाषा, इन सब के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। पर हमारे संविधान निर्माताओं को ये भान था तो इसलिए उन्होंने 15वें आर्टिकल में ही एक क्लॉज रखा कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि राज्य महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए कोई विशेष कानून न बनाए। भाई तात्पर्य यह था कि मान लीजिए 2 गिलास है, एक में आधा पानी भरा हुआ और एक बिल्कुल खाली है, और कहे कि दोनों बराबर हैं तो पहले उसमें अतिरिक्त जल डालना पड़ेगा।
तो स्त्रियां सदियों से पीछे रही हैं, तो उनको बराबरी देने का मतलब यह है कि उनके साथ सकारात्मक भेदभाव, यानी कि उनके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा, राज्य को विशिष्ट प्रावधान रखने पड़ेंगे। तो आप देखिए कि संविधान में ही आगे, हमारा संविधान सबसे लंबा चौड़ा भी है, बहुत बहुत ज़्यादा उसमें आर्टिकल्स हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि महिलाओं के 14-15 में तो समानता का अधिकार दे दिया, और बाद में जैसे आर्टिकल 42 है उसमें कहा कि मातृत्व से संबंधित जो विशेष प्रावधान होंगे वो महिलाओं के लिए वो संवैधानिक होंगे, मैटरनिटी लीव की बात की। तो मतलब जो संविधान निर्माता थे वो महिलाओं को न केवल समान मांग रहे थे बल्कि समान से भी ज्यादा ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार थे। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ पे, शुरू के वर्षों में जब भारत आज़ादी हुआ था और 50-60 के दशक तक बहुत कानूनी कार्रवाई हुई, बहुत लोगों ने ये कहा कि स्त्री के को जो अतिरिक्त जो लाभ दिया जा रहा है वो समानता के सिद्धांत की अवहेलना है, ठीक है ना। तो इस तरह के भी बहुत कानूनी कार्रवाइयां हुई। शुरू शुरू में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को इस बात में नहीं पड़ना चाहिए कि स्त्री पुरुष से समान है या भिन्न है। प्रश्न ये है कि सदियों से स्त्री वंचित रही है, डिसएडवांटेज्ड रही है, तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि उसको समान मानो चाहे विशिष्ट मानो। उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो वर्तमान वंचनाएं हैं, जो वर्तमान डिसएडवांटेजेस है, वो अगर कम होती है तो वो कानून वैध है, वो पॉलिसी वैध है, वो कार्यक्रम वैध है, वो हर तरह से उचित। इसी क्रम में बहुत सारे महिलाओं के लिए, बहुत सारे महिला केंद्रित कानूनों का, नीतियों का, पॉलिसीज का, प्रोग्राम्स का बहुत निर्माण हुआ। जैसे आपने कहा कि सशक्तिकरण की बात हुई, तो पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, नेशनल पॉलिसी फॉर वुमन, राजस्थान पहला अग्रगण्य राज्य था जिसने स्त्रियों के लिए अलग से एक पॉलिसी का निर्माण किया 2002 में। फिर कानूनों की बात आई तो कानूनों में बहुत संशोधन किए गए, क्योंकि देखिए कानून ऐसे थे, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं था, तो संपत्ति के अधिकार संबंधी जो भी प्रावधान थे उसमें संशोधन करके उनको पैतृक संपत्ति में समान अधिकार की बात की। आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी, मैं उस मुस्लिम महिला का नाम भूल रही हूँ, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है कि शरीयत के जो कानून हैं वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को संपत्ति में कम हिस्सा देते हैं, और ये संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का हनन है, और उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। तो आगे देखते हैं कि उसमें क्या होता है। पर कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान निर्माता इस बात के प्रति बहुत सचेत थे कि महिलाओं को न केवल समान माना जाए बल्कि सदियों का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए कुछ विशिष्ट कानून, कुछ विशिष्ट नीतियां, कुछ विशिष्ट कार्यक्रम उनके लिए संपादित किए जाएं, और केंद्र में और राज्य में जो भी सरकारें आई उन्होंने ऐसा किया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण था जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो 93-94 की बात है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ, संशोधन होते हैं संविधान में, तो 73वां और 74वां संशोधन हुआ। आपने इसके बारे में सुना हुआ है, किसके बारे में है ये? इससे महिलाओं को जो स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं, ग्राम पंचायत और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह होते हैं, उनमें 33% आरक्षण की व्यवस्था की, 33% महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गए,
पंचायती राज व्यवस्था में और म्यूनिसिपल बॉडीज में, शहर है तो म्यूनिसिपल बॉडीज में और अगर ग्राम है तो पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। 93 से आज 23 हो गया, 33 साल हो गए। और इससे एक बहुत बड़ी साइलेंट रिवॉल्यूशन आप समझिए इससे आया है। जब ये संशोधन हुए तब आंकड़ों में अचानक बदलाव आया। राजस्थान की जो फीमेल लिटरेसी थी, लड़कियों की जो लिटरेसी या साक्षरता की दर थी, वो अचानक बढ़ गई। तो मैं भी 2002 से 6 तक महिला अध्ययन केंद्र की निदेशिका थी, तो जब हमने इसके कारणों का पता चलाने की कोशिश की और गांव की महिलाओं और पुरुषों से बातचीत की, तो वो जो महिला जो पंच सरपंच बनी हुई थी और जो पढ़ लिख नहीं पाती थी, तो बोले आगे मेरी बेटी भी बन सकती है, तो मैं तो नहीं पढ़ती लेकिन अब इसको पढ़ाएंगे तो मतलब आगे चल के ये पंच सरपंच बनेगी तो किसी के प्रति डिपेंडेंट नहीं रहेगी। मतलब लड़की की शिक्षा में खर्च करना अब घाटे का सौदा नहीं था, ऐसा ग्रामीणों को लगने लगा। तो ये जो परिवर्तन, मतलब ऐसे बहुत सारे वो मैंने खुद ने भी, जब मैं निदेशिका थी तो मैंने जयपुर जिले की 168 महिला पंच और सरपंचों को आमंत्रित किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो गवर्नर थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो उनके लिए क्षमता संवर्धन कार्यशाला करवाना चाह रही थी कि भाई नई नई आई हैं, उनको ज़्यादा पता भी नहीं है, तो उनकी हम क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए महिला अध्ययन केंद्रों से उन्होंने ये किया था कि आप कार्यशाला करके इनकी क्षमताओं का संवर्धन करें। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 150 महिला पंच सरपंच आई थी और बहुत युवा भी थी और बहुत बुजुर्ग भी थी, पर उस जमाने में भी सबके पास मोबाइल था, वो अपने अधिकारों भत्तों सबके लिए जागरूक थी। और उन्होंने ये बताया कि जब से हम लोग आए हैं तब से गांव के विकास की प्राथमिकताएं हमने बदल दी। कार्यशाला में उभर के आया कि उनका फोकस क्या था, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि महिला होने के नाते वो खुद नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि स्कूल कॉलेज दूर थे, महिला होने के कारण उनकी डिलीवरी घर में ही होती थी, बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, माँ की मृत्यु हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि जो अस्पताल है, जो स्कूल है, वो खुले और समय पे सुचारू रूप से चले, उसके लिए उनको कनेक्ट करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जाए, ये उनकी प्राथमिकता थी। तो वो बहुत जागरूक थी, हालांकि आज भी पंचपति और सरपंचपति की बात होती है, पर वो अपवाद हर जगह है। बहुत से पुरुष भी काम नहीं करते तो बहुत सी महिलाएं भी नहीं करती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक गहरा बदलाव लोकल लेवल पे आया है और जब नीचे से आवाज उठेगी तो फिर आगे तक जाएगी। हमारे विधानसभाओं और संसद के लिए भी आरक्षण के बिल की बहुत बार आवाज उठ चुकी है और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोचिए, पूर्व राज्यसभा में अगर महिलाएं होती तो द्रौपदी के साथ वो हो सकता था जो हुआ। मतलब हम भारतीय इस बात को लेके अभिशप्त हैं, शर्मसार हैं कि ऐसी कोई घटना सरेआम हमारे बहुत ही जो शालीन जो लोग थे उन लोगों के सामने, भीष्म पितामह, विदुर, द्रोण और जाने कितने विद्वान वहां बैठे हुए थे और वो हुआ। तो बर्ट्रंड रसल का अगर आपने नाम सुना हो तो उन्होंने कहा था कि सत्ता में बराबरी बराबरी का सबसे अच्छा तरीका है, बराबरी या समानता लाने का तरीका अगर सबसे अच्छा कोई है तो शक्ति और सत्ता का वितरण अगर समान हो तो समाज में स्वतः ही बराबरी आ जाएगी। तो साथियों, बहुत जैसे भगवती जी ने भी कहा कि बहुत सारे आज के युग में बहुत सारे अवसर हैं और बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन स्थितियां बहुत चिंताजनक भी हैं। जिस नेगेटिव बात से उन्होंने शुरू की थी, अब मैं उस पर आती हूँ। अगर आपने
आज के ही अखबार में था कि हमारी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 90,000 मामले आए हैं महिला हिंसा की। अभी 8 मार्च को जब यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है गुटरेस, उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष बराबरी में हम अभी 300 साल पीछे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन स्त्री के पूरे जीवन व्रत को देखिए आप कि उसको कहां आजादी है। स्त्री का मतलब मैं या भगवती जी या स्नेहलता जी नहीं है, स्त्री का मतलब वो आम स्त्री है। और देखिए, मेरा ताल्लुक इस बात से भी नहीं है, स्त्री पुरुष सबके अपने अपने संघर्ष हैं। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, लेकिन मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रही हूं या जिस बात की तरफ सोचने की जरूरत है, वो उन संघर्षों के लिए है जो स्त्री स्त्री होने के नाते भोगती है, जो उसके हिस्से में उसके जन्म के साथ ही आ जाते हैं। मैं, हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शुरू में कर्म प्रधान थी, वाल्मीकि शूद्र होते हुए भी महर्षि बन गए, परशुराम जी का कह नहीं सकते कि वो ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे, सबको कर्म करने की स्वतंत्रता थी। जन्म कहीं पे भी हुआ हो, कर्म करने की स्वतंत्रता हो, अवसर की स्वतंत्रता हो, रिसोर्सेज की स्वतंत्रता हो, आपके रिवार्ड्स की स्वतंत्रता हो, तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन जन्म के साथ ही जब ये बन गई तो जड़ हो गई। ऐसे ही एक लिंग व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था के साथ, कि लड़की जैसे ही पैदा होती है तो ये तय कर दिया जाता है कि घर में रहेगी, घर के काम काज करेगी, बाहर नहीं जाएगी, धीरे बोलेगी, ये पहनेगी, ऐसे उठेगी, ऐसे बैठेगी, यहां तक जा सकती है, आगे नहीं जा सकती, उसके दायरे तय कर दिए जाते। कहां है उसके लिए आजादी? अभी आपने कन्या भ्रूण हत्या का जिक्र किया था, पूरे जीवन व्रत को देखिए कि बच्ची को मां के गर्भ से सुरक्षित बाहर आने की आजादी भी नहीं है, उस पर भी 100 पहरे हैं, तकनीक ने उन्हें और सुगम बना दिया है। तो सेक्स रेशो प्रकृति में कहीं असंतुलन नहीं था, सदियों से ये मानव जाति चली आ रही है, स्त्री पुरुष की संख्या में कभी असंतुलन नहीं हुआ, लेकिन जब मानव ने इसमें छेड़छाड़ करनी शुरू की तो सेक्स रेशो बिगड़ गया। मेरी एक स्टूडेंट ने सेक्स रेशो पर, और वो भी पंजाब में सेक्स रेशो पे अपना रिसर्च वर्क किया था। आपको ताज्जुब होगा कि पंजाब के कुछ इलाकों में 1,000 लड़कों पे 660 लड़कियां थी। कहां गई वो 340 लड़कियां? कहां गई, कहां गायब हो गई वो? ये हमें सोचने को विवश करते हैं, जो कचरे में और जो कूड़ेदानों में जो मिलते हैं नवजात, वो लड़के नहीं होते, वो लड़कियां होती हैं। तो सेक्स रेशो अपने आप में भीषण समस्या पैदा करेगा, और उससे भी ज्यादा बुरा है कि जुवेनाइल सेक्स रेशो 0-5 अगर हम बच्चों की उम्र को देखें तो लड़कियां मान लो पैदा भी हो गई है, तो उनको शिक्षा, उनका नरिशमेंट और स्वास्थ्य परिवार की सबसे आखिरी प्रायोरिटी होती, इसलिए वो ज्यादा मरती। जबकि वैज्ञानिक शोध ने इस बात को प्रमाणित किया है कि स्त्री में जीवट ज्यादा है, समान परिस्थितियों में वो ज्यादा जी सकती है। ये तो जो परिस्थितियां खराब कर देते हैं तब उनकी मौत होती है। फिर आगे चले तो शिक्षा, शिक्षा में उनका एनरोलमेंट कम है, रोजगार में देखे तो रोजगार में कम है, और दहेज है, विवाह है, बाल विवाह है। क्यों देना चाहिए दहेज? मैं राजस्थान कॉलेज की भी प्रिंसिपल थी, और वहां पे भी मैंने अपने वुमेन स्टडीज से जो प्रोग्राम किया था उसमें भी प्रतिभा जी आई थी, और राजस्थान कॉलेज में भी प्रतिभा देवी पाटिल आई थी, तब वो महामहिम थी, यहाँ की गवर्नर थी। उनके वुमेन लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन पे हमने वो सेमिनार किया था, और सेमिनार के बाद में जो सभागार था उसमें 400-500 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, जाहिर है वो राजस्थान कॉलेज था तो सब लड़के थे, सब ने खड़े होके हाथ आगे करके
ये शपथ ली थी कि वो जब शादी होगी उनकी वो दहेज नहीं लेंगे। अगर एक लड़का ये कह दे तो परिवार जरूर से मानेगा। ऐसे हमने सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया था तो कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज दोनों में किया था, तो हमने वहाँ के छात्रों से यही कहा था कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा है, अगर आप लड़के की तरफ चले जाएंगे तो लड़की का मनोबल बिल्कुल टूट जाएगा, वो अपने आप को कई सौ गुना असुरक्षित समझेगी। और अगर आप लड़की के साथ खड़े हो जाओगे, आपकी अपनी भी बहन है, आपके परिवार में बहुत लड़कियां हैं जिनकी सुरक्षा के प्रति आप बहुत जागरूक हैं, अगर आप लड़की के साथ खड़े हो जाओगे तो वो बहुत हिम्मत से किसी भी स्थिति का मुकाबला कर सकती है। हर जगह पुलिस नहीं आएगी, हर जगह हम और आप ही होंगे। अगर हम एक दूसरे को सहारा दें तो चीजें बहुत बदल सकती। आज भी वैधव्य जो है वो स्त्री के लिए ही है। बहुत चीजें बदली है, आज विधवाओं का पुनर्विवाह कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन आज भी वृंदावन में आप चले जाइए, वेस्ट बंगाल में आप चले जाइए, जो विधवाएं हैं वो कितना अमानवीय जीवन जीती हैं ये आप देखें तो आप यकीन नहीं करेंगे। तो क्या उनको इस रंगहीन वैधव्य से बाहर निकलने की आजादी नहीं होनी चाहिए? एक ऐसा त्रासद विवाह जिससे वो बाहर निकलना चाहती है, क्या उसकी आजादी उन्हें नहीं होनी चाहिए हर क्षेत्र में उनको? और इसके ऊपर अगर हम देखें कि जो महिला के प्रति बढ़ते जो अपराध हैं वो तो आज और भी ज्यादा दुष्कर हो गए। आप किसी भी दिन का अखबार पढ़ लीजिए, शायद ही कोई अखबार ऐसा होता हो जिसमें महिला के साथ दुष्कर्मों की बात ना हो। और उसकी बर्बरता इतनी अधिक बढ़ गई है, मैं कभी ताज्जुब करती हूँ कि हम जैसे ही परिवारों के ये बच्चे होंगे, उनके माँ बाप से कभी कभी मैं बात करना चाहती हूँ, उनकी कोई बहन हो तो उनसे बात करना चाहती हूँ कि वो किस तरह से परिवार में जीते हैं कि बाहर जाके इतना अमानवीय तरीके से वो दुष्कर्म करते हैं और फिर मार काट करके लड़की को फेंक देते हैं जिससे कि सबूत नष्ट हो जाए। तो स्त्रियों के प्रति संविधान हमारा बहुत विशिष्ट है, लेकिन समाज में जो स्थिति है वो इतनी शुभ नहीं है। और ये खाली इंडिया की बात नहीं है, मुझे अमेरिका में भी बहुत रहने का अवसर मिला और मैं वहाँ की ही पत्रिकाओं को जो पढ़ती थी, इकोनॉमिस्ट और टाइम आपने बहुत सुना होगा नाम, तो वहाँ की मैगजीन में भी इस बात का उल्लेख था या स्वीकृति थी कि 1000 केसेस में अगर महिलाओं के प्रति हिंसा के 1000 केस हो तो उसमें 6 में दोषी व्यक्ति को सजा होती है। ये है सफलता का आंकड़ा। तो जो 994 महिलाएं हैं वो तो इस बात की हिम्मत ही नहीं कर पाती हैं कि वो पुलिस से या एनजीओ से या किसी प्रकार की मदद करे, मदद की गुहार करें और अपना केस आगे चलाएं, क्योंकि सबको पता है कि एक बार तो रेप हुआ है वास्तव में, और जब एक प्रक्रिया शुरू होगी तो कोर्ट कचहरी में पुलिस में जो भी मिलेगा वो उसी रेप के घटनाक्रम को दोबारा से उसे जीने के लिए विवश करेगा। तो यहां पर मैं जिस संस्था से हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन, अब मैं 2-4 बात उसकी करूं, क्योंकि ये जो वुमेन एसोसिएशन है 1975 में ये बना था। 1975 एक बहुत खास साल है, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया था। अब जब यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया तो यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने सब कंट्रीज से आंकड़े मांगे कि भाई आपके यहाँ कितनी महिलाएं हैं, किस किस उम्र की महिलाएं हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी नौकरी करती हैं, कितनी विवाहित हैं, कितनी अकेली हैं, कितनी विधवाएं हैं, कितनी शहरों में रहती हैं, कितनी गांवों में रहती हैं।
जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने आंकड़े मांगे तो आपको हैरानी होगी कि किसी राष्ट्र के पास महिला से संबंधित आंकड़े थे ही नहीं। है ताज्जुब की बात कि आधी आबादी है लेकिन उसके बारे में कोई आंकड़े नहीं है। तो समाज का मतलब पुरुष, शिक्षा का मतलब पुरुष, रोजगार का मतलब पुरुष। आधी आबादी आंकड़ों से पूरी तरह से अदृश्य थी, अनुपस्थित थी। तो स्नेहलता जी, ये जो वुमेन स्टडीज सेंटर की जो पहल हुई, तब यूनाइटेड नेशन को लगा कि महिलाओं का अध्ययन तो बहुत जरूरी है, आधी आबादी के बारे में हमें पता ही नहीं है। तो क्या प्रोग्राम हो, क्या पॉलिसीज हो, क्या जरूरत है कि किस तरह से उसको पूरी किया जाए, इसके बारे में कोई पता ही नहीं है। तो 80 के दशक में ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे विश्व में यूनिवर्सिटीज में महिला अध्ययन केंद्रों की शुरुआत हुई और उनका उद्देश्य यही था कि सामाजिक यथार्थ का जो अध्ययन किया जा रहा है और जिस अध्ययन से स्त्री बिल्कुल अनुपस्थित है, अदृश्य है, तो वो जो सामाजिक यथार्थ का अध्ययन है वो सांगोपांग नहीं है, वो अधूरा है। उसको पूर्णता देने के लिए जो आधी आबादी है उसका सच सामने आना चाहिए। तो सामाजिक यथार्थ से वो जो अदृश्य महिला थी उसको उसमें लाने के लिए महिला अध्ययन केंद्रों की शुरुआत हुई और सारे विश्व में, सारी यूनिवर्सिटीज में महिला अध्ययन केंद्रों ने महिलाओं के संबंध में शोध किए। तो इससे क्या हुआ कि एक तो महिला अध्येताएं बढ़ गई और एक महिलाओं के बारे में जानकारी बढ़ गई और वो जो कोश है, वो जो ज्ञान का कोश है जिसकी रचना भी बाई एंड लार्ज स्त्रियों ने ही की थी, क्योंकि पुरुष स्त्री को पढ़ने में अपने आप को थोड़ा कमतर महसूस करते हैं, तो स्त्री ही स्त्री को पढ़ रही थी। पर इस पढ़ने की प्रक्रिया में बहुत कुछ बदलाव आया। तो मैं महिला अध्ययन केंद्र से भी जुड़ी थी और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन से भी जुड़ी थी। अब मैं एसोसिएशन की बात करती हूँ, रूवा, राजस्थान यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन। तो ये 75 में स्थापित हो गया था और इसका मकसद यही था कि यूनिवर्सिटी में आप ताज्जुब करेंगे कि बहुत उच्च अधिकारी थी मीना सिंह, जो कि पुलिस में थी। उन्होंने कहा कि जब उसने पुलिस ज्वाइन की, कोई महिला शौचालय ही नहीं था। एक अधिकारी इतने आईपीएस लेवल की, उनको ज्वाइन करने के बाद इस बात की परेशानी हुई कि उनके यहाँ उनके लिए कोई उपयुक्त शौचालय नहीं है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि पुलिस की इतनी बड़ी अफसर महिला हो सकती। ऐसे यूनिवर्सिटीज में है कि जो बहुत ही आधारभूत सुविधाएं हैं, जो कि महिलाओं की खास जरूरतें हैं, उनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। तो ये जो संस्था थी उन्होंने, अच्छा जब हम कहते हैं इक्वल वर्क इक्वल पे या समान अवसर होने चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता अगर समान है तो आपको पद भी समान मिलने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। स्त्री प्रतिभाशाली भी होती है तो उसको अपने आप को दुगना तिगुना प्रमाणित करना पड़ता है, तब कहीं जाके उसको कोई पद मिलता है। तो इस सारे भेदभाव को विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में और लार्जर समाज में जो भेदभाव हैं उनको दूर करने के लिए, महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस संस्था का जन्म हुआ। और आप देखिए इस संस्था में जो यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यूनिवर्सिटी से अटैच थी ये संस्था, तो इसलिए अगर कोई छात्रा भी होगी तो बीए तो मिनिमम है। पढ़े लिखे लोग इस एनजीओ के, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड है, तो इसकी जो सदस्यता है वो बहुत ही शिक्षित महिलाओं की सदस्यता इसे प्राप्त रही है। जो नामचीन प्रोफेसर हमारे रहे हैं, जिन्होंने कि नारीवादी चिंतन भी किया है और नारीवादी कर्म भी किया है, वो दोनों इसके सदस्य रहे हैं। और इसी का परिणाम था कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन इसकी नेतृत्व में हुए हैं। मैं आपको 2-3 बातों का हवाला देती हूँ। अगर आपको याद हो तो 80 के दशक में, बहुत दुख की बात है कि 20वीं शताब्दी के 80 के दशक में रूप कंवर नाम की लड़की सती कर दी गई थी,
लोग कहते हैं सती हो गई, लेकिन चिता में जलती चीखों ने, चीखों को किसी ने नहीं सुना और उसको सार्वजनिक रूप से एक तरह से जला दिया गया। उस घटना को हम रोक नहीं पाए, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन जो सती का महिमा मंडन किया जाता है, उसको चुंदड़ी उड़ाने की रस्म होती है, सती के नाम पे मंदिर बनते हैं, उसका इतना महिमा मंडन किया जाता है कि दूसरी और महिलाओं को जैसे आप प्रेरित कर रहे हो सती बनने के लिए, या अपने आगामी क्रियाकलाप को एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए आप सती का महिमा मंडन करते हैं। तो रूआ के नेतृत्व में जो यहाँ के बहुत जुझारू जो यहाँ के सदस्यगण थे, उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया। सबसे पहले आवाज सती के विरोध में रूआ के सदस्यों ने उठाई थी और फिर इस बात को सुनिश्चित किया कि उसका महिमा मंडन रोका जाए, चुंदड़ी महोत्सव रोका जाए, उसके बाद में उसके नाम पे जैसे रानी सती का मंदिर है वैसा कोई मंदिर न बने, जिससे कि आगे कभी कोई सती न हो, न जबरन किसी को सती किया जा सके। ऐसे ही एक भवरी देवी का अगर आपने कभी नाम सुना हो, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और ये उसका दायित्व था, उसके काम की ये भाग था कि वो बाल विवाह को रोके। उसने एक बाल विवाह को रोका तो परिवार के लोग बहुत क्रुद्ध हो गए और उसका सामूहिक बलात्कार हुआ। भवरी देवी की खासियत ये है कि उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। देखिए आमतौर पे हम अगर जानते भी हैं ना कि समाज में किसने बलात्कार किया है, हम ये नहीं कहते कि इसने बलात्कार किया, हम ये कहते हैं कि इसका बलात्कार हुआ, तो हम पीड़ित को ही दोषी बना रहे हैं। भवरी देवी ने उस चुप्पी को तोड़ा और ये वुमेन एनजीओज और रूआ के और भी बहुत सारे एनजीओज थे, पर रूआ ने प्रमुख भूमिका निभाई और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। संविधान ही आपको यह अधिकार भी देता है कि अगर आपको रोजगार मिला है तो आप डिग्निटी के साथ, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ, अपनी वैयक्तिक गरिमा को बनाए रखते हुए उस रोजगार को का निर्वहन कर सके। तो कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ एक आदेश आया और 2013 में तो बाकायदा एक्ट बन गया और उसमें ये ताकीद की गई है कि हर संस्था में, यहाँ पे भी होगी अपने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हो जहाँ पे किसी भी तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत छात्रा या कर्मचारी कर सके। ये जो कमेटी है एक तरह से जो कोर्ट होता है, कचहरी होती है, जो कि सिविल कोर्ट होता है, उस तरह की शक्तियां रखती है और ये आदेश है उस एक्ट में कि 90 दिन में उस कंप्लेंट का, जो भी शिकायत आई है उसका निस्तारण 90 दिन में होना चाहिए। इसी तरह रेप केसेस हैं, रेप से संबंधित जो लॉज है, तो रूआ ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। रेप में पहले यह था कि स्त्री को प्रमाणित करना पड़ेगा कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, अब स्त्री कहां से प्रमाण लाएगी, कोई सड़कों पे रेप थोड़ी होते हैं जो उसके चश्मदीद गवाह हो। निर्भया केस के बाद और जो ये स्वयंसेवी संगठन है उनकी आवाज के बाद अब कानूनों में संशोधन किया गया है और ये कहा गया है कि ये प्रमाणित करने की जिम्मेदारी अब पुरुष पे होगी कि उसने रेप नहीं किया। पहले महिला पे ये जिम्मेदारी थी कि वो प्रमाणित करे कि उसके साथ रेप हुआ है, अब पुरुष को ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि उसने रेप नहीं किया। द ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन शिफ्टेड टू द मैन। तो डोमेस्टिक वायलेंस, घरों में आप ताज्जुब करेंगे कि जो यौन हिंसा होती है वो घरों में कितनी ज्यादा होती है। हम कहते हैं कि बाहर मत जाओ, बाहर सुरक्षित नहीं हो,
लेकिन घर में ही सुरक्षित नहीं है महिलाएं, और खाली महिलाएं नहीं, लड़कियां और बच्चे। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि रुआ में ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें फादर और ग्रैंडफादर इस तरह की हिंसा में लिप्त। तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी सेंट्रल लेजिस्लेशन हुआ है, 2005 में उसका कानून बना। और उसकी शुरुआत मैं आपको बताऊं कि मैं उस समय केंद्र की निदेशक थी, हमने लॉयर्स कलेक्टिव की इंदिरा जयसिंह को बुलाया था, वो डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत काम कर रही थी, और सारे जो पक्षकार थे जिसमें कि शासन, प्रशासन, पुलिस, जुडिशरी, जो विक्टिम्स हैं, उन सबको बुला के हमने डोमेस्टिक वायलेंस पे 3 दिन की कार्यशाला करी थी। और बहुत कुछ बातें एक तरह से उस एक्ट के प्रावधानों की उस कार्यशाला में तय हुई थी। तो डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के खिलाफ जो घरेलू हिंसा है उसमें भी रुआ का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो नया एक्ट है 2005 का, उसमें ये था, आपने फिल्मों में देखा होगा कि पति ने या सास ने घर से निकाल दिया, रात है, बारिश हो रही है, अंधेरा है, और वो कह रही है आज रात मुझे रुक जाने दो, और वो नहीं मान रहे। होता है ऐसा? अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में इमेजिन करके देखिए, ये बहुत भीषण स्थिति है। तो ये जो एक्ट है वो हर महिला को इस बात का अधिकार देता है कि वह उस घर में रह सकती है, उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे वो घर किराए का हो, चाहे वो स्वयं का हो। शी हैज ए राइट टू रेजिडेंस, ये बेसिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। तो ऐसी बहुत से एरियाज हैं जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन ने समाज के स्तर पे इनिशिएटिव लेके या अन्य महिला संगठनों के साथ आवाज बुलंद करके, और बहुत सारे कानूनों का, राजस्थान में ही नहीं केंद्रीय स्तर तक उन कानूनों का निर्माण हुआ। क्योंकि उनका जो स्वयंसेवी संगठन है, उनका जो मकसद है और जो उनका नारा यही है कि तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, तभी तो जमाना बदलेगा, तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। और वो इस बात के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। हम मोहल्लों में मीटिंग करवाते हैं, ढाणियों में मीटिंग करवाते हैं, उनमें कानूनों के प्रति, नीतियों के प्रति। अब जैसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, गैस मिल रही है, पर पता तो होना चाहिए ना महिला को कि उसके नाम से गैस मिल रही है। उसके नाम से अगर रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री में भी कम पैसे लगेंगे। चिरंजीवी योजना है, सरकार ने स्त्री के नाम पर ही दी है। तो बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि महिलाओं से सरोकार रखते हैं और महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। और बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं जो सकारात्मक है उसकी तरफ हम सब जानते हैं, स्पोर्ट्स हो, आपके बॉक्सिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, आपके क्रिकेट हो, स्मृति मंधाना को आज सब जानते हैं, आपके जो इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, मंगलयान में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अभी मैं देख रही थी एक इंटरव्यू आया था, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की जो CEO थी वो एक वूमन थी, वर्तिका शुक्ला, और वो कितना सटीक विश्लेषण परिस्थितियों का कर रही थी। तो वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, टीचिंग और मेडिसिन में तो हमेशा से थी स्त्रियां, लेकिन जो वर्जित क्षेत्र थे, पुलिस है, सेना है, आपके वैज्ञानिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब में अब महिलाओं ने प्रवेश किया है। स्पोर्ट्स हैं, जो वो स्पोर्ट्स जो कि बहुत पुरुष प्रधान थे, उसमें अगर कोई पदक लेके आया है तो महिलाएं ही लेके आई हैं, हमारी बेटियां ही लेके आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि परिदृश्य बदल नहीं रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे बदलने की ज़रूरत है। और अगर हम सब अपने अपने स्तर पे प्रयास करें तो समाज को बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू।
थैंक यू सो मच मैम, आपके उद्बोधन से हम सभी सजग हुए हैं अपनी अपनी भूमिका समाज में कैसे निर्वहन करें। आज सच में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, समाज में उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। इस विषय में हमें सबको सजग होना होगा, वरना अर्ध नारीश्वर की यह शक्ति अशक्त होती हुई उस नर के, उस शक्तिमान के उद्धार की जगह उसका संहार करने पर उतर आएगी। तो सबको सजग होना होगा और अपने अधिकारों के प्रति हमें लड़ना होगा। इसके साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चूंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, मैम के जिस प्रकार के उद्बोधन से हम लोगों को जो महिलाओं की स्थिति है वर्तमान में, और संविधान, केवल संविधान ही उसके नियम और कानून ही इसमें कार्य नहीं करते हैं, समाज में भी जो वर्ग हैं उनमें प्रेरणा और उनमें आत्म जागृति जब तक नहीं होगी, तब तक ये स्थिति वैसी की वैसी ही दयनीय और शोचनीय बनी रहेगी। मैंने एक कविता लिखी थी कभी, और आज इस अवसर पर मैं ये बोलना चाहूँगी। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कुछ इसी को और आगे बढ़ाते हुए मैंने आज की परिस्थिति को देखते हुए ये कविता लिखी है। नारी तुझे प्रणाम। नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, अतुलित बल का ओजस्वी धाम हो, नारी तुझे प्रणाम हो। तुम वीर शिवा की जननी हो, झांसी की पैनी धार हो तुम। तुम वीर शिवा की जननी हो, झांसी की पैनी धार हो तुम। तुम शासन की मर्यादा हो, दृढ़ता का आदर्श महान हो तुम। दृढ़ता का आदर्श महान हो तुम। नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, भारत राष्ट्र का सशक्त आधार हो, नारी तुझे प्रणाम हो, नारी तुझे प्रणाम हो। तुम कल्पना की ऊंची उड़ान हो, कल्पना चावला, तुम कल्पना की ऊंची उड़ान हो, रूप का अति ऐश्वर्य हो तुम। तुम किरण सी प्रसृत शोभा हो, तुम किरण सी प्रसृत शोभा हो, माधुरी सी सुंदर मुस्कान हो तुम। नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, संकल्प शक्ति का स्वाभिमान हो, नारी तुझे प्रणाम हो, नारी तुझे प्रणाम हो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। सारी गर्ल्स तो आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी, और मुझे तो अपने नारी होने पर आज गर्व हो उठा है कि नारी की इतनी अतुलनीय महिमा हमारे शास्त्रों में कही है, और हम उस नारी को ही, अपने नारित्व को ही अपने नकार रहे हैं। तो ये भी हमें अपने समाज में सोचना होगा, और नारी को नारी बने रहने देना होगा। नारी यदि पुरुष की तरह प्रवृत्तित हो जाएगी, पुरुष के समान वो व्यवहार करने लगेगी, तो वो स्वयं ही अपना अपमान करने में आगे बढ़ रही है। तो अब मैं विश्वविद्यालय के संरक्षक माननीय कुलपति जी से अत्यंत नम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सब गीत करें। जन्माद्यस्य यतो नयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः सुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस आयोजन में आज के इस कार्यक्रम में कृपापूर्वक पधारी हुई हमारी बहन मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर दमयंती गुप्ता जी, जो अपने
विद्वत्ता वैदुषी के कारण न केवल राजस्थान में बल्कि देश देशांतर में जानी जाती है। विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर भगवती सुदेश जी, जो संस्कृत जगत की एक प्रख्यात विदुषी हैं, और इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही हमारी छोटी बहन डॉक्टर स्नेहलता मधुबाला तथा सभी छात्राएं और शिक्षिकाएं, इस कार्यक्रम में उपस्थित जगत विश्वत इस जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के मनीषी आचार्यगण और सुधी छात्रों तथा अधिकारियों, आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने दोनों विदुषी वक्ताओं को सुना और समाज में स्त्रियों की दशा प्राचीन काल से लेकर के अब तक किस प्रकार की रही, इस पर हम सब लोग अवगत भी हैं और निरूपण के अनुसार उसको सुना भी। आप सब लोग जानते हैं इस देश की दशा को, और इतना कानून बनने के बाद भी, इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी प्रत्याशित जो सुधार होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी हम लोगों को, सुधी जनों को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। वस्तुतः आज का यह कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। मैंने अपनी धर्म पत्नी से जब चर्चा किया और कहा कि आज दो बड़ी विदुषी वक्ताओं के बीच में मुझे बैठना है और उन लोगों के द्वारा जो शास्त्रों की चर्चा और व्यावहारिक कठिनाइयों का उद्बोधन किया जाएगा, तो तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारे बल पर मैं भी कुछ कहूंगा। और ये सहर्ष तैयार हो गई, यद्यपि जल्दी तैयार नहीं होती हैं कहीं जाने के लिए। हम दोनों की बड़ी लंबी जीवन यात्रा रही है, लगभग 50-52 वर्षों से हम लोग एक साथ रहते हैं। आप लोगों को यह जान करके आश्चर्य होगा कि जब मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी था तब हमारा विवाह हो गया था। और आजकल लड़के और लड़कियां दोनों कहते हैं कि पहले नौकरी मिल जाए फिर विवाह करेंगे। आखिर बात क्या है? कक्षा 7 के लड़के और लड़की दोनों को विवाह का कोई ज्ञान नहीं होता कि विवाह आखिर है क्या। हमारे विषय में तो लोगों ने कहा कि मैं विवाह मंडप में सो गया था। लेकिन अगर दोनों में एक समन्वय है तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको कि दोनों की जीवन यात्रा में बाधा डालने का कोई हक है। फिर भी आखिर सारे कानून हमको क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मैंने तो जब भी सोचा इस विषय में, इसके कारण के मूल में जो कारण है वह वस्तुतः यही है कि हम अपना संस्कृत वाङ्मय भूल गए हैं। भगवद गीता में आसुरी और दैवी दो प्रकार की शक्तियों की चर्चा आती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मुझे तो यह लग रहा है कि त्रेता में जिस प्रकार के राक्षस हुआ करते थे रावण जैसे,
और नारियों का हरण किस तरह से कर लेते थे, उसके लिए कितने बड़े बड़े युद्ध होते थे। द्वापर में छोटे मोटे युद्ध नहीं हुए, महाभारत हो गया। तो ये आसुरी शक्तियों का प्रभाव हमेशा समाज पर रहा है। इस आसुरी शक्ति पर जब तक हम विजय नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक कोई कानून हमको वह सुरक्षा नहीं दे पाएगा, न हमारी नारी शक्ति को, छात्राओं को वह प्रगति कर पाएगा जितना हमें चाहिए, जितना हमें प्रकृति ने दिया है। एक बार इसी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और इस प्रकार के एक दो वक्तव्य हुए। संयोगवश हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, क्षमा कीजिएगा, हमारे शब्द भी वहां के लिए निकल आया करता है, कुलपति माननीय प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी हैं, और वो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि बंद करो ये बकवास, नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा ने ही उसको इतना सशक्त बना दिया है। विश्व के सारे पुरुष मिलकर के चाहें तो सृष्टि नहीं कर सकते, बिना नारी की और पुरुष के समन्वय के इस सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता। और कुलपति हैं, बहुत सशक्त कुलपति हैं, किसी को सेटती नहीं। उन्होंने कहा कौन है पुरुष हमारे सामने, सारे देवताओं ने जब राक्षसों से हार मान ली तो क्या हुआ आखिर। सब लोग भगवान नारायण के पास पहुंचे, और भगवान नारायण को भी असुरों का संहार करने के लिए क्या करना पड़ा, भगवती का स्मरण करना पड़ा। आज हमारे साथ भगवती साक्षात हैं। तो जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उन आसुरी प्रवृत्तियों पर हमें अंकुश करना होगा, उनको जीतना होगा। अभी आपने दहेज की बात उठाई, दहेज बहुत बड़ा राक्षस है। प्रायः समाज में जो भी अपराध हो रहे हैं उसके मूल में 50% से अधिक ये दहेज नाम का राक्षस है। और इस दहेज को मांगने के लिए लड़के जितना जागरूक रहते हैं उससे कम उनके माँ बाप नहीं है। कई बार ऐसे हैं कि पिताजी अगर थोड़ा ढीले भी हैं तो माताजी दहेज के लिए बहुत लालायित हो जाती। माताजी ने अगर कहा कि दहेज नहीं चाहिए तो पिताजी अड़े हुए हैं। ये आत्म प्रशंसा मैं नहीं बता रहा हूं। 3 बच्चे हैं हमारे पास, हमने 1-1 रुपया लेकर के तीनों की शादी की है, और इन्होंने कभी नहीं कहा कि कुछ दहेज भी तो चाहिए। हर बार इस बात का साक्षी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अकाउंट्स ऑफिस में है कि तीनों बेटों की शादियों में हमने अपने फंड से लोन लिया था। और आज भी जहां जहां हमने बच्चों की शादियां की उस परिवार के द्वारा हम लोगों को इतना सम्मान दिया जाता है कि जैसे हम भगवान हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग दहेज देने लायक नहीं थे, बहुत दहेज देने लायक थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ये भी मानते नहीं कि जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। कई बार तो ऐसा लोग कहते हैं भाई मैं मांगूंगा नहीं, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। अरे किसी की देने की भी इच्छा होती है क्या? बहुत ऐसे रेयर होंगे जिनके पास अथाह धन संपदा होगी और उनको देने की इच्छा होती होगी तो इसे ही दे देंगे, लेकिन देने की इच्छा किसी को होती नहीं। लेने वालों के डर के मारे, अपनी बेटी की सुरक्षा के मारे, उसके सुखद भविष्य के मारे लोग दहेज देने के लिए विवश हो जाते हैं, कर्ज ले ले करके दहेज देते हैं। तो ऐसी जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे आपने कहा कि अभी आपने ही सुनाया था, कोई कहानी आ रही थी आज सवेरे टीवी पर देखा हमारी श्रीमती जी ने, कि एक कोई महाशय थे, उन्होंने 2 बेटियां थी, उनके पास किसी पंडित जी से वो आशीर्वाद लेने गए कि हमको एक पुत्र भी दे दिए। उस पंडित ने आशीर्वाद देने के बजाय बहुत डांटा, कहा शर्म नहीं आती तुमको, बेटियां बेटों से कम है। तो जब तक हमारे मन में ये आसुरी शक्तियां जागृत रहेंगी तब तक इन कानूनों की सहायता हमको मिलेगी नहीं। कानून हमारे लिए सहयोगी हो सकते हैं,
मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन मन की जो प्रवृत्तियां हैं उनको तो हमें स्वतः अपने शास्त्रों के आधार पर संयमित करना होगा। बहुत अधिक इस विषय में कहने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। कष्ट का विषय तो यह है कि साल भर में इस प्रकार के एक दो आयोजन हुआ करते हैं, इस प्रकार के आयोजनों को प्रायः होते रहना चाहिए। कम से कम महीने में तो एक आयोजन इस प्रकार हो ही कि जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के, अच्छा और महिला सशक्तिकरण ये हमारे देश की समस्या नहीं, आपने बताया भी ये विदेशों में है, हमारे यहां की महिलाएं सशक्त हैं, इनको प्रकृति ने ही सशक्त कर रखा है। हम साथ साथ जन्मों तक साथ रहने के लिए वचनबद्ध होते हैं, विदेशों में ये बात नहीं है। विदेशों में तो कई बार पढ़ने को मिला कि दो लोगों की शादी हुई जिसमें पुरुष की 10वीं और महिला की 11वीं शादी थी, लेकिन हमारे यहां हम सात जन्म के लिए वचनबद्ध होकर के आते हैं। किसी ने कहा कि आखिर हमारे यहां बहुविवाह के इतने उदाहरण क्यों नहीं है, सात जन्म। लोगों ने कहा कि विदेशों में जन्म बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं, तो हमारा जन्म तो जन्म जन्मांतर का साथ है। हम अपने शास्त्रों पर थोड़ा सा अगर अध्ययन करें, मनोविकारों पर थोड़ी सी नियमन संयमन करें, तो ये जो आसुरी शक्ति मानव मन में है जिनके कारण स्त्री पुरुष ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से परेशान है, एक दूसरे को परेशान कर रहा है, इससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार के आयोजनों की बड़ी सार्थकता है, और छात्राओं को तो विशेष रूप से मैं कहूंगा कि कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 वर्ष चीफ रेक्टर था, हमारा यह उद्घोष था कि अगर कोई छात्रा किसी के विरुद्ध लिख करके दे देगी तो उस छात्र को आउटराइट बिना सुने बर्खास्त कर देंगे। कई वकीलों ने हमसे कहा कि आप तो नेचुरल लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। हमने कहा नेचुरल लॉ और लॉ इसके लिए कोर्ट बनी हुई है, मैं तो निकाल दूंगा। अब लोग जाएं कोर्ट, और बहुतों को निकाल दिया, कोई कोर्ट गया नहीं, कोई नहीं गया कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में क्या होगा, महिलाओं की बाड़ी और वेद की बाड़ी दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों स्वतः प्रमाण है। इसीलिए अभी आपने कहा कि अब साक्ष्य देना पुरुषों का काम हो गया है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी श्रुति जो है वह स्वतः प्रमाण है और महिलाओं की वाणी स्वतः प्रमाण है, वो जो कह देंगी वही है। हाँ, लेकिन भगवत कृपा से उनको वही कहना चाहिए जो है। और यह बात तब होगी जब हम अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धावान होंगे, हमारा ज्ञान निर्मल होगा, तभी हम किसी भी व्यक्ति के प्रति इस तरह का निर्मल विचार भी रखेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, आप लोगों को बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम बड़े आभारी हैं कि आप लोगों ने अपने बहुमूल्य विचारों से इस समाज को अवगत कराया, जागरूक किया, और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हम जरूर कहेंगे आप लोगों से कि हर महीने एक कार्यक्रम इस तरह का आयोजन करें, जिससे कि जागरूकता बढ़े। छात्रों में भी इस जागरूकता की आवश्यकता है, छात्राओं में भी, क्योंकि अब भविष्य इनके हाथों में है। हम लोग तो धीरे धीरे, मैडम कह रही थी कि कोई वानप्रस्थ नहीं जी रहा है, मुझे हंसी आ गई कि मैं, हम दो लोग तो जी ही रहे हैं। हम लोग इस समय इसी तपोवन में रहते हैं, बाल बच्चों को छोड़ दिया है, जाते भी नहीं, यदा कदा फोन आ गया तो बात भी कर लेते हैं। तो वानप्रस्थ जाना चाहिए। वानप्रस्थ का तात्पर्य यह है कि एक समय ऐसा आता है जब आप सारी समस्या, सारे निर्णय अपने परिवार बाल बच्चों पर छोड़ दें, जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो। और हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, प्रायः देखते हैं कि उठने बैठने की शक्ति नहीं है, लेकिन घर के सारे कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करते हैं। यही वानप्रस्थ है कि घर में रहते हुए जब बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, अब स्वयं पिता हो गए, पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, हमारी तो यह ऋचाएं हैं जो कहती हैं कि यहाँ जब पुत्र पिता बन जाए तो बाप रुक जाइए थोड़ा सा। तो इस प्रकार की
भावनाएं बहुत आवश्यक हैं और इसको फैलाने का दायित्व तो संस्कृत वालों के ऊपर ज़्यादा है। हम अपने शास्त्रों का प्रचार प्रसार करें, जो कुछ संयमन आचार आचार है, परमो धर्म है कहा गया, जो आचार सदाचार है उसको समाज में हम फैलाएं। अभी 4-5 दिन पहले एक समूह आया, उसने कहा कि एक हमारा सम्मेलन है। हमने कहा कौन सा सम्मेलन? उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का सम्मेलन। हमने कहा क्यों सम्मेलन कर रहे हैं? कहा कि अन्य जातियों के लोग हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करने लगे हैं। हमने कहा तो किसका दोष है? आपने अपनी संस्कृति के विषय में उनको बताया क्यों नहीं? आपका एक कर्तव्य है कि आप समस्त प्राणियों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, अपने आचरण के बारे में बताएं। ये अगर कोई भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, तो दोष किसका है? दोष तो हमारा है कि हम समाज को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो समाज को शिक्षित करने के दायित्व तो हमारे संस्कृत वालों के लिए है। तो विशेष रूप से यहाँ ज़्यादातर संस्कृत के लोग हैं, और जो नहीं हैं वो भी परम संस्कृत के हैं। मैडम तो अनेक शास्त्रों की विदुषी हैं, आपने जो व्याख्यान दिया बहुत ही मार्मिक रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को जरूर विराम दूंगा और यह आगाह करूंगा प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में जल्दी जल्दी हों तो अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका। सर के अनुसार हमें स्वयं के आसुर भाव को छोड़ना होगा, तभी हम इस नकारात्मक फैली हमारी जो विसंगतियां हैं उनसे हम पार पा सकते हैं, अदरवाइज तो कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती है। अब शिक्षा शास्त्री की छात्रा मनीषा एक स्वरचित कविता अपने को सुनाना चाहती हैं। आइए, आपका स्वागत है कविता के साथ। अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर जी, कुलपति जी महोदय, मुख्य वक्ता और हमारी विशिष्ट वक्ता, और सभी छात्र छात्राएं और गुरुजन, मैं अपनी एक मैम ने एक बात कही थी बलात्कार और नवजात बच्चियों को कूड़े में डालने की, और अपना एक पीछे निर्भय हत्याकांड हुआ था उसी टाइम मैंने कविता लिखी थी, और उसी कविता को मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और शायद इस कविता में एक बात मैंने महसूस की है कि उसकी बहुत ज़रूरत और आवश्यकता भी है इस चीज़ में, वो बात लास्ट में आएगी। मैं अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मैं मरने से पहले मर नहीं सकती। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हर रोज़ एक मासूम उनकी हवस का शिकार होती है, पिचासों की उस बड़ी महफिल में रोज एक निर्भया रोती है, डरती है वो माँ जब उसकी जवा बेटी घर से बाहर निकलती है, हर गली हर चौराहे पर किसी ना किसी की नीयत खराब होती है, जाम लगाए नारे लगाए कैंडल मार्च निकलती है, हर एक पीड़िता की लाश पर एक सजी सियासत चलती है, हम प्रतिज्ञा करते रहेंगे सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बलात्कार होते रहेंगे बस मुजरिम बदलता रहेगा, हर रोज सड़कों से वो बेटियों को उठाते रहेंगे, हम जुर्म की इस गाथा को रोज अखबारों में गाते रहेंगे। आजकल हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी सूचनाएं आती भी रहती है, उसके साथ ये हो गया कि कभी कोई नवजात को नहर में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया, उसी के लिए बोला है कि हम जुर्म की इस गाथा को रोज अखबारों में गाते रहेंगे। बंद करो ये नारेबाजी, तारीखों को तुम लांग दो, बहुत मोमबत्तियां जला ली हमने, अब सीधा मुजरिमों को सूली टांग दो। धन्यवाद। बहुत खूब मनीषा, आपकी इस कविता से हम सभी अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पीड़ा को समझाने वाली कविता थी आपकी। अब कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर राजधर मिश्र जी से अनुरोध करती हूं कि वे सभी अतिथियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः।
नमः प्रकृति भद्राये नेता प्रणता स्मताम। आज बहुत दिनों के बाद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याख्यान में, विशिष्ट व्याख्यान में, एक अंतःचेतना को सीधे सीधे जागृत करने वाला जो एक व्याख्यान कहा जाना चाहिए, वो बहुत दिनों के बाद ये देखने को मिला, सुनने को मिला। और आगे के जीवन के लिए, आगे के समाज के लिए हम सभी को सोचने के लिए मजबूर होने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ कि हमारा विचार कैसा हो, किस दृष्टि में हो। आज यद्यपि मेरा व्याख्यान का नहीं है, आभार और धन्यवाद व्यक्त करने का है, लेकिन वास्तव में हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में, वक्ता के रूप में जो आज विशेष उद्बोधन आप सबका हमें प्राप्त हुआ है, ये अत्यंत ही हम सबके लिए प्रेरणास्पद और एक रोमांचित करने वाला इस दृष्टि में कि भारतीय संस्कृति और भारतीय इस परिधान में नारी का स्वरूप पहले क्या था, क्या स्थिति है और उस सब में अभी हमको क्या करना चाहिए, इस दृष्टि में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और इन सारी सुविधाओं, इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी इसका हल क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए माननीय कुलपति महोदय जी का जो एक सारांश और सूत्रात्मक कथन था, ये अत्यंत व्याख्या करने योग्य है और समस्त इन बाधाओं को निराकरित करने के लिए, निराकरण करने के दिशा में एक महान सूत्र के रूप में काम कर रहा है। वस्तुतः हम जहाँ नारी की दृष्टि में भारतीय संस्कृति में इतनी व्याख्याएं और इतनी उनकी महानता दी गई है, मैं तो ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहता कि अब इतनी तो बात देखिए, संस्कृत का और हमारे सनातन परंपरा का ब्रह्म जो है वो निष्क्रिय है, अचेतन, चेतनता से परे कुछ भी करने में अक्षम है। पुरुष बिचारा जो है सांख्य का, उसकी वही दुर्दशा है। ये सारी की सारी स्थिति, इसमें क्रियाशीलता कब आती है, जब तक उस ब्रह्म का माया के साथ में संयोजन ना हो, ब्रह्म के साथ माया अपने स्वरूप को दोनों में अभिन्न रूप में अभिव्यक्त न करते हों, या प्रकृति के साथ में पुरुष का तादात्म्य न होता हो। ऐसी ये द्वंद्वात्मक एक ही स्वरूप के दो रूप में विभक्त, किस अंग को कम कहा जाए, किस अंग को ज़्यादा कहा जाए, ये जहाँ कभी भेद मूलक नहीं रहा, उस भारत में, उस भारतीय संस्कृति में आज समानता की बात की जा रही है। इसके पीछे कारण तो जैसे हमारे कुलपति जी ने कहा कि वो भारतीय संस्कृति का संस्कार, वो सदाचार, वो चिंतन की धारा जो समाज में जानी चाहिए, हमारे संस्कृत वाङ्मय का ज्ञान वो नहीं जाने के कारण, उस संस्कृति का विलोप हो जाने के कारण, विदेशी आक्रमण की और शिक्षण पद्धति की व्यवस्था बदल जाने के कारण, जीवन को पशुवत आचरण करने के कारण, जीवन को मशीन बना दिए जाने के कारण, ये सारी की सारी विकृतियां आ रही है। इसलिए इस दृष्टि में हमारा प्रयास करने का संस्कृत विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। आप दूसरे रूप में देखो, दया, जितनी भी सुंदर शब्द हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, सब स्त्रीलिंग हैं। दया, करुणा, भावना, उदारता, सारे जितने भी शब्द पुरुषों के लिए देखो, क्रोध, लोभ, मोह है कि नहीं है। हम शब्द मात्र की दृष्टि से यदि विचार करते हैं तो उस दृष्टि से भी हमारे यहाँ सारे स्त्रीवाचक शब्द अत्यंत विशिष्ट और माननीय कहे गए। इस दृष्टि नारी कहते किसको है, नरस्य धर्म्या नारी, नर को अपने धर्म में संयुक्त करके और एक व्यक्तित्व को देने वाली जो शक्ति विशेष है
उसका नाम है नारी। ऐसी नारी जो नारी के बिना पुरुष का व्यक्तित्व स्थिर नहीं रह सकता, जिस पुरुष को स्थिर करने के लिए कोई शक्ति चाहिए तो नारी भूता स्त्री भूता शक्ति है, इसे हम महिला कहते हैं। महिला को लोग इसी तरह से केवल महिला शब्द से जानते हैं। मह का अर्थ है पूजनीय और उसमें प्रत्यय लगा होता है इलच, जो हमेशा पूजित होती हुई समाज को संस्कार को अपने परिवार को पूजित करती है, एवं भूता या शक्ति विशेषा सा महिला। तो भारतीय संस्कृति की जो ये अवधारणा रही है, इस अवधारणा को यदि हम संसार में दे, जिसके लिए संस्कृत विश्वविद्यालय या महिला अध्ययन केंद्र है, तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा। और कुलपति जी की जैसी इच्छा है उसके अनुरूप हम सबका व्यवहार और कार्य की दिशा में प्रयास हो, इसके लिए मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि हमारे कुलपति जी और हमारे मैम कुलवती महोदया जी का, जिनके इस तरह के विशिष्ट उद्बोधन से, जिनके दर्शन से आप हम सबको बहुत प्रेरणा मिली है, तो ऐसे कार्यक्रमों में आपने हमें अपने उपदेश के द्वारा व्याख्यान के द्वारा उपकृत किया है। संस्कृत विश्वविद्यालय ऋणी है और आभार व्यक्त करता है। और विशेष रूप से जिन बातों को हमें जहाँ तक पहुँचाना चाहिए और उसका सशक्त माध्यम हमारे छात्र होते हैं, ऐसे छात्रों के उपस्थिति में ही विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थान का कोई कार्यक्रम सुंदर होता है। और मुझे खुशी है और शायद लगता है कि महाराज जी की, हमारे नारायण दास जी की हम सब के ऊपर कृपा है कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में रहते हैं और कोई भी कार्यक्रम यदि प्रारंभ करते हैं तो कार्यक्रम अत्यंत दिव्य हो ही जाता है। और इसी तरह से हम कार्यक्रम को सुंदर बनाते रहे और इसके लिए हमारे समस्त अध्यापक, इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले हमारे कंप्यूटर के अधिकारी हमारे FC साहब और अन्य सभी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ या स्मरण में नहीं है, सबको एक तंत्रेण हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करता हुआ इस का आमंत्रण देते हुए 21 तारीख को बिल्कुल शास्त्रीय व्याख्यान वाला व्याकरण में अपवाद का स्वरूप, और वो अपवाद लोक में भी प्रचलित है, तो ये अपवाद क्या है, सामान्य क्या है, नियम की प्रवृत्ति क्या होती है, समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में जीवन के व्यवहार में ये सब चीजें ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो उस 21 तारीख के व्याकरण की विशिष्ट व्याख्यान माला में भी हम सब इसी उत्साह के साथ यहाँ पधारें, इस आमंत्रण के साथ पुनः एक बार हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद आभार के साथ अनुदान धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। छात्र अभी अपने स्थान पर खड़े रहे, पहले अतिथियों को बाहर जाने।
छात्र सभी सभी अध्यापकों से सभी आचार्यों से निवेदन है कि वो अभी यहीं रहें समिति कक्ष में ही, बाकी स्टूडेंट्स आप जा सकते हैं, ठीक है।